ये हो चुका है रेडी हमारा, रुको रुको एक मिनट, देख सकते हैं लो, ये एक उठा के खाओ। हाँ अरे इधर देखो, इधर देखो बच्चों, आओ इधर। और अभी देख लीजिए, ये मैंने ऑर्डर किया शोला पैटीज के नाम से जाना जाता है, और अब प्रियंका के लिए आप देख सकते हैं ये ताबेलिया पर बन रही है कुछ इस तरह से। तो चलिए इसको एंजॉय करेंगे अभी हम लोग, ये लोग तो फिलहाल आइसक्रीम खा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं आपको ये जो टिकट काउंटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि 30 रुपीज पर पर्सन आपको यहाँ पर जो है मिलने वाले हैं। तो अभी जैसे सिद्धांत छोटा है तो इसके नहीं लगे, तो हम तीनों को यहाँ पे 90 रुपीज टोटल हो चुके हैं। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं। सो गाइस ये है हमारी कुछ इस तरह से टिकट, और ये जो है यहाँ से एंट्रेंस आपको दिखाई दे रहा है, और इस साइड का जो एग्जिट आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग एंट्रेंस यहाँ से चलते हैं, तो अंदर चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ गाइस, और सबसे पहले देख लीजिए 13 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक है ये, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब तक मेला यहाँ पर लगने वाला है, तो 13 से 30 तारीख तक आपको यहाँ पर जो है मिलने वाला है। तो आइए हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं, और यहाँ से अभी एंट्री में कर रहा हूँ। सो गाइस देख लीजिए कुछ इस तरह से अंदर यहाँ पर जो है मैं पहुंच चुका हूँ, और अंदर का नजारा देख लीजिए। अंदर जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ से पूरी जो है शॉप्स आपको दिखाई देंगी पूरी, देख लीजिए जो हमेशा रहती है मेले में। उसके बाद हम लोग ऐसे चलते हैं, देख लीजिए इधर भी आपको पूरी शॉप दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं उधर, मैं पहले एक्टिविटी कर लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ का जो है बताऊंगा। तो गाइस देख लीजिए यहाँ से अभी अंदर मैं जा रहा हूँ, और जो बच्चों की जो एक्टिविटी जो स्टार्ट होती है जो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है आपको दिखाई देने वाली है, ठीक है। ये देख लीजिए, वाह बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड वाले स्टॉल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कुछ इस तरह से, और बच्चों की जो झूले वगैरह जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर, और होप करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ यहाँ पर आ रही होगी गाइस, तो आइए चलते हैं। तो गाइस देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको ये वाला झूला दिखाई दे रहा है जो कि 80 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पर मिलने वाला है। तो देख लीजिए थोड़ा सा अलग ही रहता है ये भी, और अभी तो फिलहाल खाली आपको दिखाई देगा। सो गाइस ये झूला आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है जो कि 80 रुपीज़ पर पर्सन का है, और देख लीजिए ऐसा राउंड होके थोड़ा ऊपर में जाता है ये कुछ इस तरह से, देख लीजिए दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा वैरायटी अच्छी लग रही है, यानी इस बार देखा जाएगा। तो गाइस आपको दिखाई दे रहा है ये झूला 50 रुपीज बच्चों का, जो हमेशा सिद्धार्थ और शनाया बैठते ही है इसमें, देख लीजिए। और इधर में कुछ गाने वगैरह चालू है, तो होप करता हूँ कि मेरी आवाज आपको यहाँ पर आ रही होगी गाइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस वाले झूले की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं कितने का है ये, देख लीजिए गाइस, जो कि ये आपको 80 रुपीज का पर पर्सन का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये वाला झूला भी दिखाई दे रहा है थोड़ा। तो गाइज जैसे कि ऑड दिन आज मैं आ चुका हूँ, यानी कि आज बुधवार का दिन है, तो ज्यादा आप देख सकते हो ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई देंगे आपको, वैसे तो फिर भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लेकिन भीड़ उतनी नहीं दिखाई दे रही है जैसे कि पहले, यानी जो ऑड इसमें रहती है जैसे छुट्टियों में जो भीड़ रहती है, ठीक है। देख लीजिए बच्चों का भी ये काफी अच्छा आपको दिखाई देगा, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से है, बोटिंग जैसे आपको यहाँ पर जो दिखाई देने वाला है। सो गाइस आपको ये जो बोटिंग दिखाई दे रही है बच्चों की, ये 80 रुपीज का है यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए कुछ इस तरह से वाटर में यानी बोटिंग की जाती है। तो गाइस इस साइड में अगर आप आओगे तो आपको फिर से दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, और दूसरे वाले भी आपको यहाँ पर वाटर वाले एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। देख लीजिए पूरा। तो गाइस देख सकते हैं आपको ड्रैगन ट्रेन किस तरह से यहाँ पर जो दिखाई दे रही है पूरा, और शनाया सिद्धांत यहाँ से भी जा रहे हैं ऊपर में। चलो तो गाइस इनकी जो राइड यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है कुछ इस तरह से देख सकते हैं। Thank you.
गाइस अभी आप देखोगे धीरे धीरे आपको जो भीड़ जो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, देख लीजिए। ठीक है, तो गाइस देख लीजिए आकर्ष झूला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलो इसका प्राइस देखते कितना है, जहाँ तक मेरे ख्याल से ये भी 80 रुपीज रहने वाला है जहाँ तक। चलो आगे देखते हम लोग। तो गाइस देख सकते हैं 80 रुपीज आपको सेम यहाँ पर मिल रहा है, अभी ज्यादा यहाँ पर भरा हुआ नहीं है, देख लीजिए। फिर भी स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। तो गाइस देख सकते हैं आकाश झूला स्टार्ट हो चुका है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, देख लीजिए पूरा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मोक बिस्किट आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो शनाया बोल रही थी कि लेना है, तो चलिए देख लेते हैं सब लोग, देख लेते हैं सब। चलो ये हो चुका है रेडी हमारा, रुको एक मिनट, देख सकते हैं ये एक उठा के खाओ। हाँ तो हवा छोड़ो। हाँ अभी जो हम लोग आइसक्रीम की शॉप में यहाँ पर आए हैं, ये 20 कौन से 20? अच्छा 20 नहीं, मैंने लिया 20 वाले दो दे दो, देख लीजिए गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे में पूरा आपको भीड़ दिखाई दे रही है, देख लीजिए। अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ से पूरे फूड स्टॉल लगे हुए एंडिंग एंडिंग तक पूरा देख सकते हैं, पूरा पीछे में आपको दिखाई देगा, देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पर गुप्ता बेल भंडार में यहाँ पर मैं आया हूँ, और अभी देख लीजिए ये मैंने ऑर्डर किया शोला पैटीज के नाम से जाना जाता है, और प्रियंका के लिए आप देख सकते हैं ये ताबेली यहाँ पर बन रही है कुछ इस तरह से। तो चलिए इसको एंजॉय करेंगे अभी हम लोग, ये लोग तो फिलहाल आइसक्रीम खा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं शोला पैटीज मेरा कुछ इस तरह से यहाँ पर रेडी हो चुका है, चलो इसको हम लोग एंजॉय यहाँ पर करते हैं। तो गाइस शोला पैटीज कुछ इस तरह से है, काफी यहाँ पर जो एंजॉय हम लोग कर रहे हैं। और जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉल के पास मैं आ चुका हूँ, और काफी अच्छा है फूड हमने यहाँ पे एंजॉय किया। जैसे मैं बताया गुप्ता चाट भंडार में आप आए हो, तो यहाँ पर आप जो है आ सकते हैं, बढ़िया अच्छा लगा यहाँ का फूड, बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं अभी मैं जो हूँ पूरी एक्टिविटी तो हमारी पूरी हो चुकी है, चलिए देखते हैं ऐसे भी कुछ अच्छा यहाँ पर मिलता है, आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ बहुत सारे शॉप्स आपको दिखाई देंगे, देख लीजिए पूरा कुछ इस तरह से। तो गाइस ये देख सकते हैं ये शॉप में सेल लगी है, 10-10 रुपए का पूरा माल मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ बैग्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो प्रियंका देख रही है, और ये सब 150 रुपए से यहाँ पे मिनिमम मिल रहे हैं। और देख लीजिए बाकी जो शॉप का नजारा है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देने वाला है पूरा, देख सकते हैं यहाँ से। और यही से हम लोग अभी एंटर हुए थे, अभी इस साइड में जाके एग्जिट होना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो गाइस बस अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ गाइस, देख लीजिए, और अभी काफी जो है भीड़ यहाँ पर बढ़ चुकी है, तो चलिए जैसे मैंने बताया यहाँ पे एग्जिट है, तो एग्जिट की तरफ लोग यहाँ पर जो है चलते हैं, चलते हैं चलिए। अभी जो है मेले से मैं बाहर आ चुका हूँ, देख लीजिए, और बाहर का नजारा भी आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है दिखाई देने लगा। और मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरह से यहाँ पर जो है पूरे झूले थे, झूले के प्राइस मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं अभी। सो गाइस फाइनली यहाँ पर अपना जो वीडियो यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ, आपको आज का वीडियो कैसे लगा इस बार मुझे कमेंट करके जो बताना, साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नागपुर के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनते रहेंगे जो कि मैं धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।